देखिए, हमने आपको कल बोले थे हम कि कल फिर मैं इस साग का नए तरीके से बना के आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर यहाँ साग हमने धो लिया है, और देखिए यहाँ पर हमने मसूर का दाल हमने पहले 1 घंटे के लिए फूलने के लिए इसको रख दिए थे। तो देखिए मेरा दाल एकदम फूल करके अच्छा हो गया है, देखिए एकदम मस्त है। और इसमें हम डालेंगे 2-3 छोटे छोटे प्याज। तो अब मैं इन लोग का सबका एक बार कटिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है इसको। तो देखिए, हमारे तेल ना एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च जो काट के रखे थे उसको हम डाल देंगे। अभी तेल मेरा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ मिर्चा जगह हम इसमें पहले प्याज डाल दूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है इसको। आज तो आटा भी नहीं जलेगा, क्या हम अपने हस्बैंड को खिलाएंगे, देखते हैं। आज गेहूँ का ही रोटी बनाएंगे, कल देखेंगे। तो मेरे घर में मक्के का चावल है, कल उसको मशीन में हम पीस लेंगे, ग्राइंडर में पीस लेंगे कल। देखिए, हमारे प्याज एकदम भून गया है। अब हम इसमें ना जो साग है उसको हम डाल देंगे। कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग से नाम पूछ सकते हैं कि साग का क्या नाम है, तो किसी ने भी बताया नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम चला लेंगे और थोड़ा अभी नमक नहीं डालेंगे, इसलिए डल जाएगा साग। और इसमें ये मसूर का दाल हम डालेंगे, ये फुला कर रखे थे धो धा करके। अब इसे इनको हम ढक देंगे। अब मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे ताकि मेरा दाल भी जो है ना वो भी एकदम गल गया अच्छा से एकदम। तो देखिए, हमें साग में देखिए दाल एकदम पक गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए इसमें, और फिर हम इसको ऐसे मिला करके और फिर हम इसको भी और 2-3 मिनट पकाएंगे। और हल्का हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये जब दाल आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये दाल देखिएगा 5 मिनट के बाद इसका दाल पता ही नहीं चलेगा कि दाल कहाँ गया। हमको तो लग रहा है कि कढ़ाई खा जाएगा दाल, क्या जी हमसे ज़्यादा कढ़ाई भूखी हुई है। इसको हम ढक के मीडियम आंच पर पकाएंगे 5 मिनट। देखते हैं हम अपने साग का पुलिया क्या है। तो देखिए, बहुत सारा दाल एकदम पता नहीं चल रहा है, उस वक्त कितना था, अभी देखिए थोड़ा हो गया है। तो अभी ये थोड़ा भी जो ये दाल दिख रहा है ना, ये भी 2 मिनट के अंदर छूमंतर हो जाएंगे। देखते हैं अपने साग का क्या हाल हुआ है। मैं यहाँ रोटी भी बना रही हूँ, एक तरफ मैं अपने ये डिश बना रही हूँ साग, और एक तरफ रोटी बना रहे हैं। और हमारे गांव में ना बहुत बड़ा जग हो रहा है, आप लोग को हम डिटेल बता देते हैं। अगर जो भाई लोग होंगे और चाचा चाची जितने भी हैं, भाई बहन दोस्त, अब इसको पकाएंगे, तो हम उनको बताते हैं कि अगर आप लोग ट्रेन से दूर से आने वाले हैं तो यहाँ आप लोग को आना है सीधे डुमराव, और डुमराव से सीधे आप बोलिएगा कि आपको पकवाना जाना है, पकवाना से आप बोलिएगा कि हमको यादव टोला गढ़ी पे जाना है, और बस आपके डिटेल हम आपको बता दिए हैं। आइए हम सब दोस्त एक साथ करते हैं इंजॉय। तो देखिए, गाय का रोटी मेरा तैयार हो चुका है। अगर आप लोग आए और पूछे जब कहाँ रहे, अगर आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो आप सीधे बोल दीजिए कि मैडम जी का घर कहाँ है, बच्चे बच्चे बता देगा आपको कि मैडम जी का घर कहाँ है।
देखते हैं। अब देखिए दाल में कहीं भी आपको पता चल रहा है, अब देखिए जरा सा भी दाल नजर है। हाँ, आप इसमें थोड़ा सा मसूर का दाल डाल देते हैं ना, तो ये बहुत टेस्टी बन जाता है। अभी हम इसको कई तरीके से बनाएंगे, आप लोग हम दिखाएंगे कि ये कैसे। अभी तक कोई किसी ने भी कमेंट में नहीं बताएंगे कि हम ये किस चीज़ का साग है, क्योंकि कल का वीडियो हम बना कर डाले थे तो हम बोले कि हम तो नाम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए कि किस चीज़ का साग है, तो हम तो अभी नहीं बताएंगे। देखते हैं आप लोग कब तक जवाब देते हैं। अभी इसको हम भूनेंगे क्योंकि इसमें पानी है। तो देखिए हमारा साग का हाल क्या है, देखिए हम पानी सूख गया है, अब कढ़ाई में देखिए लगने लगा है। अब आप इस साग को ना आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूड़िया के साथ खाइए और पराठे के साथ खाइए, आपको जैसे मन कर वैसे खाइए। आप चावल के भी साथ, भात के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। चने की साग से भी ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। देखिए हम ये साग एकदम तैयार है एकदम, देखिए जरा सा भी पानी अब नहीं है इसमें। मैं आप लोग फिर एक बार बोल रही हूँ कि देखिए यहाँ जग हो रहा है, आप लोग दूर के हैं तो दुमनावा स्टेशन उतरिए आप, और वहाँ से सीधे पकवाइना, और पकवाइना से सीधे बोलिए कि हमको यादव टोला गढ़े जाना है, और अगर नहीं बता पाएंगे लोग तो बोलिए कि हमको मैडम के घर जाना है, तो सारे बच्चे बता देंगे आपको। अब हम इसको दूसरे बॉल में निकाल लेंगे। और ये ना आप बहुत तरीके से ये बनता साग है, इसमें और भी कुछ आप एक ही रेसिपी नहीं है, इसमें आप हर चीज़ डाल के बना सकते हैं और आपका रेसिपी खराब भी नहीं होगा। तो देखिए मैं साग बनकर तैयार हो चुका है, अब आप इसको खाइए अपने पूरी के साथ, रोटियों के साथ, जैसे बनकर जैसे चावल के साथ खाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, कल एक और नया वीडियो डालूंगी। और फिर एक बार तीसरी बार बोल रही हूँ कि नया भोजपुर में जग हो रहा है, आप लोग आ जाइए, हम लोग सब आदमी फैमिली मिलके एंजॉय करते हैं एक साथ। और आप लोग से बातें करते करते देखिए हमने रोटी भी बना लिया, सारा रोटी मेरा देखिए बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए कल की वीडियो के लिए। थैंक यू।